कल हम लोग मिले थे रात में और अभी जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ पर थैंक यू सो मच हेल्प किए, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीन टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे हैं एक भाई साहब, हेलो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, हेलो गुड मॉर्निंग। तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज हमारा हो चुका है 112 दिन। और कल रात में हम यहाँ पे रुके हुए थे। इस प्रकार का लोकेशन आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नेचुरल लोकेशन है। और यहाँ पे तीन भाई मिल गए थे, तीनों मिलके कैंपिंग किए हैं। तो आज हम गोवा घूमने वाले हैं, और ये सब जो भाई लोग हैं कर्नाटक की ओर जाने वाले, हम कर्नाटक से कल इंटर किए हैं यहाँ पे गोवा में विजिट करेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे और ये लोग कर्नाटक जा रहे हैं। तो सुबह सुबह हो चुका है, समय हो चुका है पूरे 7, और तो जल्दी जल्दी टेंट का पैकिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, और हमारा साइकिल इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हैं मिस्टर रजनीश जी। और आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ट्रैवल विथ 2.3, जो कि लिखा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पीछे है, जो कि ट्रैवल विथ RV23। ओके, तो भाई को भी सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो जरूर करना, भाई का भी स्टोरी देखे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। और मेरा है घुमंतु राजा, तो मुझे भी फॉलो करे, मुझे भी सब्सक्राइब करे। और यहाँ पे भाई हैं, क्या नाम है भाई? रोहित जी। देखिए एक्चुअली तो मैं इंट्रोड्यूस तो बार बार करा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा एक बार और करा देता हूँ। रोहित जी, आपका चैनल क्या नाम है? रोहित साइकिल टूर। ये भाई साहब का कहानी बहुत, ये 2.5 साल से निकले हुए हैं, पूरा जंगल में यात्रा करते हैं। इनका भी आप देख सकते हैं, रोहित साइकिल टूर, सेब टाइगर सेब, ये सब चीज़ है इनका। तो सबका आप एक्चुअली जिनका भी देखेंगे, सबका स्टोरी आपको अलग अलग नज़र आने वाला है, तो आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा साइकिल रेडी हो चुका है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, साथ में रहें और बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, वो कुछ हमें बताए, हम उनसे कुछ सीखे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम लोग चलते हैं, एक चाय पीते हैं, उसके बाद अपने अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइज चलिए चलते हैं, जय श्री राम का नाम लेते हैं और चलते हैं। जय श्री राम, जोश बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारा है डे 112, और कल हम लोग मिले थे रात में और अभी जा रहे हैं। तो एक बार बाय कर देते हैं, बाय। ठीक है, तो चलिए अपने अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं, हम इधर जा रहे हैं, भाई साहब इधर कर्नाटक जा रहे हैं। ओके बाय बाय। फिर भाई, तो पूरा गोवा जो है लगता है जंगल ही है, क्या कह सकते हैं, पूरा जंगल वाला रास्तों को क्रॉस कर रहे हैं। अभी भाई लोग चला गया, हम जा रहे हैं पणजी या पोंडा, एक सिटी है गोवा का, वहाँ पे बीच वगैरह देखेंगे, रहने का इंतज़ाम देखेंगे, खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन तय करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं इसी प्रकार का पूरा रास्ता, दोनों ओर जंगल और वाच फॉर वाइल्ड लाइफ, हर जगह पे जानवरों का क्रॉस होने का ये सीन रहता है, जंगल है ना इसलिए। तो चलते रहते हैं, 9:58 हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होटल में आए थे खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए आए हैं। गोवा में खाना महंगा है तो सबको पता है, ये 2 इडली मिला है 50 रुपये का उसके साथ ये। तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आगे चल के कुछ करेंगे। और यहाँ पे एक भैया मिले हैं, और जिन्होंने बोला कि बिल दे देते हैं इसका, तो अच्छा बात है। होटल में खाने के लिए आए थे और भैया ने हेल्प कर दिया, खाना वाना खिला दिया। तो क्या क्या नाम है भैया आपका? मेरा चिंटू नाम है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? नोएडा से। ओ तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैम, आपका क्या नाम है? रोहिणी। ओ थैंक यू मैम हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस इसी प्रकार से काम चलता रहता है, गोवा में आए थे। यू।
थैंक यू, बाय। तो मिले हैं एक भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पंडित है और उत्तराखंड से बेसिकली हूँ मैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से? उत्तराखंड से हूँ, तो काफी टाइम से मैं यहाँ पे गोवा में का बिजनेस रन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। मिले, इनको भी अच्छा लगा, बोल रहे थे मेरे को भी, इनको भी ऐसा करना है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलके बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू भैया, कुछ हेल्प भी किए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ गोवा के पोंडा सिटी में, पोंडा नाम का एक सिटी है, और यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। इधर मिला ही नहीं, सब जगह नॉनवेज मिल रहा है, और दारू और बियर का दुकान हर एक 50 मीटर पे मिल जाता है यहाँ पे। तो देखिए आगे एक दुकान है, चलते हैं वहीं पे। भूख भी लगा है, थोड़ा देर पहले तो खाए थे लेकिन बहुत महंगा था, 50 रुपये का दो इडली, इसलिए पेट नहीं भरा, सादा खाना मिला नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं। पंजी जाते हुए रास्ते में कुछ भाई लोग मिल गए और यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। आपका? तो भाई लोग ने कुछ हेल्प किया, तो थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। तो हाय, चलते हैं पंजी, और थोड़ा और डिस्टेंस बचा है। तो यहाँ पे चल रहा था गाइज, और एक मैम मिले और एक सर मिले, और ये लोग कुछ सोशल मीडिया में वर्क करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? आप किधर से हैं? आई एम फ्रॉम केरला। केरला, अच्छा। आप मैम किधर से हैं? मैं भी केरला से हूं। केरला से हैं? गोवा पे सेटल्ड है। सेटल्ड है, अच्छा। नियाजे मतलब सोशल मीडिया कुछ है? के हम लोग मीडिया में वर्क कर रहे हैं, मेरा सिस्टर है वो। सोशल मीडिया में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग कल आपने ये वीडियो लिया हुआ है, बाहर आ जाएगा, मैं आपको सेंड करता हूं। कौन सा, क्या नाम है? गोवन मल्लू न्यूज़ करके न्यूज़ चैनल है। गोवन मल्लू कुछ न्यूज़ है, ठीक है, मैं मेंशन करूंगा। ओके गाइस, ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से चलते हैं जल्दी। तो चलते चलते गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है शाम होने के कारण, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत सा चीज़ दिखा था, शायद ये कोई झील है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हाय, देख सकते हो गोवा के ओवर ब्रिज पे हम हैं, और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इधर देखिए, पूरा गोवा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ऑल गोवा इज लुकिंग ग्रीन। वेलकम टू गोवा। और ये सड़क, बीच में झील है बहुत बड़ा, जंगल से पूरा ढका हुआ है, बहुत जंगल है यार गोवा, गोवा पूरा जंगल है यार, पूरा का पूरा गोवा मुझे जंगल ही लग रहा है। फाइनली गोवा के राजधानी पणजी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सिटी आप देख सकते हैं, पूरा डेवलप्ड सिटी है। और दोस्तों यहाँ पे पहुंच तो गए हैं, अब बीच की ओर जाना है और रहने का ठिकाना देखना पड़ेगा, सिटी में तो कहीं मिलता नहीं। चलते हैं एक दो पेट्रोल पंप पे पूछते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉज वगैरह सस्ता में देखना पड़ेगा। चलते हैं, थोड़ा आगे आ गए हैं, पीछे चलते हैं, यही सिटी है फिलहाल, आप देख सकते हैं। बाकी आप स्पीड मोड में देखिए, thank you।
देर बाद मिल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जगह सर्च करते करते रहने के लिए बहुत जगह पूछा, बहुत पेट्रोल पंप, बहुत जगह, मतलब ऐसा देखा कि हो जाए फ्री में, टेंट भी लगाने का जगह मिल जाए, लेकिन नहीं मिला गोवा में। गोवा गरीब आदमी के लिए नहीं, अमीर आदमी के लिए, वो तो सब पता ही है, लेकिन मेरा एम था वही ऑल इंडिया ट्रेवल, हर एक स्टेट में जाना, तो मैं जा ही रहा हूँ। और यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं एक डोरमेट्री मिला है लास्ट में, तो 350 रुपया इसका लगा है। सवेरे 8 बजे चेकआउट है, तो यहीं पे रहेंगे, और खाना भी इधर थोड़ा महंगा ही है। तो मैं रास्ते में चल रहा था तो एक फॉरेनर मिल गया था, वो मुझे कुछ खाने के लिए सैंडविच दिया, तो वो मुझसे पूछा कि सैंडविच खाओगे, तो मैं पहले ही मुझे लगा कि लगता है कि ये शायद फॉरेनर है, तो फॉरेनर ही था, वो एक सैंडविच दिया है, तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो ये है सैंडविच, वेज सैंडविच, पता नहीं, खा के देखते हैं, पहला बार सैंडविच भी खा रहे हैं, वो भी एक फॉरेनर गिफ्ट कर दिया। ब्रेड होता है, ब्रेड में बहुत सारा चीज डाला हुआ होता है, तो ये सैंडविच। दोस्तों यहाँ पे मैं आया था एक होटल में खाना खाने के लिए, और होटल को आपको दिखाते हैं। होटल यहाँ पे, होटल में भी बार है, यहाँ हर एक 50 मीटर पर चलने के बाद आपको बियर और शराब का दुकान मिल जाएगा। अभी देखिए इधर, देखिए पूरा ये सब चीज़ है, और इधर पूरा शॉप है। मैंने तो खाना मंगाया है, मैं तो ये सब खाता पीता नहीं हूँ, देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, और ये सब चीज़ें ज़्यादा नज़दीक से नहीं दिखाऊँगा, नहीं तो है ना, समझ सकते हैं। खाना खा लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ 40 रुपया का मिला है यहाँ पे मुझे खाना, तो खा लेते हैं ये चपाती रोटी। और बाकी लोग आते हैं यहाँ पे, खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा करके आ चुके हैं अपने ये डॉर्मेट्री हॉस्टल में, और आज का जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया है लगभग 53 किलोमीटर, और आज का टोटल खर्चा है वो हुआ 350 रुपया डॉर्मेट्री रूम का, और खाने पीने का लगभग 40 रुपया, तो 400 रुपया के आसपास में मान सकते हैं आज का जो खर्चा है, 400 रुपया के आसपास में हुआ। डिस्टेंस 53 किलोमीटर मैंने आपको बताया ही, तो आज तो एक्सप्लोर गोवा का ज़्यादा नहीं कर पाएँ, कल करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, एक्सप्लोर करते हैं गोवा के बीच, और अगर घूमने वाला जगह यहाँ पर मिलता है तो उसको भी, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।